and welcome to episode number 3 of Kaopio Moch Karo presented by Double Ticks. I am Diksha and well, there are two things that I love the most, eating and exploring a new place to eat. और आज हम हैं ओल्ड ब्रदर्स बिस्ट्रो में, विच इज इन खालपड़ा. एंड इस लोकेशन के बारे में हमें बताया था हमारे एक सब्सक्राइबर ने, जिनका नाम है सुमित. सुमित ने हमें इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज यानी कि डीएम किया था और कहा था कि अगर आप इतने सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर कर ही रहे हो तो हाउ कैन यू मिस आउट ऑन ओल्ड ब्रदर्स बिस्ट्रो. सो हियर वी आर राइट इन द मिडस्ट ऑफ खालपड़ा हियर एट ओल्ड ब्रदर्स बिस्ट्रो एंड आई कैन नॉट वेट टू एक्सप्लोर दिस प्लेस. सो कम अलोंग विद मी. मगर मैंने काफ़ी दिनों से जो है पिज्ज़ा नहीं खाया है एंड इनके पिज्ज़ा को, गार्डन फ्रेश पिज्ज़ा को बेस्ट सेलर भी कहा जाता है. तो मैं ऑर्डर करने वाली हूँ इनका गार्डन फ्रेश पिज्ज़ा एंड बर्गर शर्गर भी खाए हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो एक बर्गर मंगा लेते हैं. तो मैं मंगाने वाली हूँ वेज चीज़ बर्गर. तो मैं अभी अभी इनके किचन में गई थी. हम जब भी बाहर जाते हैं, हम खैर खाना तो खाते ही हैं, मगर दिमाग में ना कहीं छोटा सा वो जो हेजिटेशन कह ले या झिझक बोल ले, वो होती ही है कि कैसे बना होगा मेरा खाना या फिर कितने तेल में बना होगा मेरा खाना. तो जब मैंने देखा मेरे अपने खाने को बनते हुए, तो वो सेटिस्फैक्शन ना भैया अलग लेवल की होती है कि हाँ भाई मेरा खाना एकदम साफ़ सुथरे तरीके से बन रहा है. सो उस एक चीज़ के लिए मैं आई थिंक इस जगह को 5 out of 5 तो ज़रूर दूंगी. पिज्जा भी यहाँ आ चुका है, मेरा बर्गर भी वहाँ आ चुका है. अब मैं धर्म संकट में पड़ चुकी हूँ कि मैं पहले क्या खाऊँ. इंकी पिंकी पोंगे करके देखना पड़ेगा शायद से मुझे, बट आई थिंक आई विल गो फॉर द पिज्जा फर्स्ट. डोमिनोज का स्टार्टिंग इज 469 वेज में थिन क्रस्ट. दिस पिज्जा इज ओनली फॉर रुपीज 325. 325 रुपीज में आपको गार्डन फ्रेश पिज्जा मिल रहा है यहाँ ओल्ड ब्रदर्स बिस्ट्रो में. एंड टॉपिंग्स आपको बता देती हूँ, पेपर फैमिली तो पूरी यहाँ पे, अनियंस है, स्वीट कॉर्न मेरा फेवरेट, आई एम ऑल्सो वेरी स्वीट. या मैंने इतनी सारी जगहों में पिज्जाज खाया, मुझे क्रस्ट होता है थिन क्रस्ट भी जब हम बात करते हैं उतना क्रिस्पी नहीं होता जितना कि ये है. दिस इज सो सो क्रिस्पी.
चीज भी बहुत बहुत जेनरसली डाला हुआ है, बहुत जेनरसली। पिज्जा के बाद अब बारी आती है मेरे वेज क्लासिक बर्गर की, और यहाँ पे है फ्राइज, मेरे फ्राइज है यहाँ पे। थोड़ा और क्रिस्पी हो सकता था, थोड़ा और क्रिस्पी ज़रूर हो सकता था। तो जैसे आप देख सकते हैं, दिस इज़ द बर्गर ब्रेड एंड दिस, आप देखिए पूरा लेयर है चीज़ का यहाँ पे, पूरा लेयर पैटी, मेयो कवर्ड विद मेयो, वेजीज एंड पैटी। अभी मैं खाने वाली हूँ सर। While the burger tastes amazing, एक weird सा थोड़ा सा bitter after taste लगा मुझे, फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक बार cucumber को try करें अलग से। What if it is the after taste is because of the cucumber? It's because of the cucumber. It's the cucumber that's bitter. So squeezing my veggies back. Better, so much better. तो भैया, I am done eating and मैं lucky निकली because जब मैं shoot पर गई थी, Old Brothers Bistro के co-owner Vincent Simon थे वहाँ पे। वैसे तो Old Brothers Bistro के दो owners हैं, Rishabh Dalmia and Vincent Simon, but Rishabh was not available because he was traveling. So Vincent से बात करने के बाद मुझे मालूम चला कि सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं Old Brothers Bistro को ऑपरेट करते हुए, एंड इनको ऑलरेडी 3-star रेटिंग मिल चुकी है। तो आप सोच सकते हो कि फूड एंड हॉस्पिटैलिटी कितनी अच्छी होगी। वेल, इसके अलावा मुझे जो है इनका जो नाम है Old Brothers Bistro, ये काफी कैची लगता है। तो मैंने जब विंसेंट से पूछा कि भैया कोई रीजन है इस पर्टिकुलर नाम के पीछे, तो विंसेंट ने मुझे बताया कि वो और ऋषभ काफी पुराने फ्रेंड्स हैं, दे आर ब्रदर्स फ्रॉम द ओल्ड टाइम्स, एंड सिलीगुड़ी में काफी सारे कैफेज हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना बिस्ट्रो रख दे, हेंस ओल्ड ब्रदर्स बिस्ट्रो। ये जो खुशी आप मेरे चेहरे पे देख रहे हो ना, एक इतने अच्छे जगह से आने की खुशी, हॉस्पिटैलिटी की तो मैं क्या ही बात करूं आपसे, इतनी 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 अच्छी थी। बट कीपिंग एवरीथिंग असाइड, नाउ इट इज टाइम फॉर रेटिंग। रेटिंग्स के लिए तो भैया आपको मालूम ही है, तो सबसे पहले अगर मैं सर्विसेज को रेट करूं, तो खाओ पियो मौज करो इस जगह में आके डेफिनेटली 5 out of 5। एम्बियंस की अगर बात करूं, मौजा ही मौजा। फूड की अगर मैं बात करूं, तो अगेन मौजा ही मौजा। भैया प्राइस भी मुझे तो काफी रीजनेबल लग, बट बिकॉज एक्चुअल में रीजनेबल है कंपेयर टू द अदर प्लेसेस, और इफ नॉट रीजनेबल मतलब दूसरे जगहों से ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं, इट्स लाइक द सेम। एंड 325 रुपीज में थिन क्रस्ट पिज्जा भैया कहाँ मिलता है, किधर किधर? अगर पता है तो डीएम करें, सो दैट वी आल्सो गेट टू एक्सप्लोर दैट प्लेस। तो प्राइस को भी मैं देती हूँ मज़ा है मज़ा। माय एक्सपीरियंस in Old Brothers Bistro was truly fab, and I would suggest you people to visit that place ASAP. This is Diksha Goyal signing off. हाँ कोई बात नहीं, तुम अंदर चली जाओ ना। आप 1-2-3 करते नहीं हो आजकल? ओ अच्छा अच्छा सॉरी, पता ही नहीं चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है। चलो 3-2-1 बोलो, फिर फ्लो आएगा मेरा। 3-2-1 करो तो आप। 3-2-1 इतनी माइक ऑन है? नहीं। हाँ तो ऑन करो उसको। सॉरी, तो इसलिए मैं फोन नहीं निकालती हूँ। ठीक है।